खबर महासमुंद से, जहां राइस मिलर द्वारा भुगतान नहीं मिलने से परेशान किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के न मिलने से नाराज किसान मुख्य गेट के सामने ही बैठ गए। दोषी व्यापारियों के चल अचल संपत्ति को नीलाम करने, मंडी निधि से किसानों को बकाया राशि का भुगतान करने, दोषियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठ गए। जानकारी के अनुसार 3-4 सालों से अलग अलग व्यापारियों द्वारा किसानों से लिए गए धान का भुगतान नहीं होने से किसान खासे परेशान हैं। किसानों ने बताया कि पिछले दिनों आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान कन्हारपुरी के किसान कांतिलाल साहू ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर आत्महत्या कर ली थी। मृतक किसान को श्रद्धांजलि देने और बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर क्षेत्र के किसान, छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ और किसान भुगतान संघर्ष समिति महासमुंद के बैनर तले कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में एकजुट हुए और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान किसान नेता, जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर झुगनू चंद्राकर, किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल सदस्य तेजराम विद्रोही, किसान सुरेश चंद्राकर, प्रवीण चंद्राकर, पवन चंद्राकर आदि मौजूद रहे। और शासन प्रशासन को पहले भी जानकारी थी कि इस क्षेत्र में पिछले 3-4 साल से लगातार व्यापारियों के द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। इस मामले को लेकर के क्षेत्र के किसान और जो भुगतान अप्राप्त के किसान हैं, पीड़ित हैं, वो सारे लोग तहसीलदार से लेकर तहसीलदार, मंडी सचिव, कलेक्टर, एसपी, यहाँ तक के संयुक्त सचिव, कृषि कल्याण बोर्ड, मंडी बोर्ड, तमाम लोगों को ये पत्र देते देते ये थक चुके हैं।